हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि एक लेटर जारी किया है अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, कि जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं रही। ये 2 मेंबर कमेटी जब इन्होंने बनाई थी तो उससे पहले इन्होंने 1 मेंबर कमेटी बनाई थी, और 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने हमें साझा नहीं की, ना ही पब्लिक डोमेन में आई। वो हमारे फेवर में थी, और क्योंकि वो हमारे फेवर में थी इसलिए इन्होंने 2 मेंबर कमेटी बना दी। और 2 मेंबर कमेटी जब बनाई तो उसके बनाने से पहले हमारी कई सारी प्रॉपर्टियाँ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी इन्होंने दूसरी एजेंसियों को दे दी, जिसमें एक खसरा नंबर 484 है जो DPS मथुरा रोड के पीछे है, वो ITBP को LNDO ने दे दिया। तो हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि जब अभी इस पे फैसला ही नहीं हुआ तो आप ये कैसे दे दिया। तो उसको हमने जनवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया, जो 1961 हमारा रिट नंबर है /22। और वो हम वहाँ इसलिए गए थे, वहाँ हमने स्टे मांगा था कि जितनी भी प्रोसीडिंग 2 मेंबर कमेटी ये कर रही है इस पे स्टे मिले, तो वो अभी पेंडिंग है। और हमने स्टे इसलिए मांगा था ताकि और ज़्यादा ये कम्प्लिकेशन इसके अंदर ना हो जो अभी ये हुई है, क्योंकि ये जितनी भी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, ये आज भी मौजूद हैं और इसकी देख रेख बाकायदा हम कर रहे हैं। तो यही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आता है, इसी के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में गए हुए हैं। और यही हमको लेटर लिख कर के ये कह रहा है कि अब इस पर आपका कोई हक नहीं रहा, और वो ये भी कह रहा है कि हमने नहीं बताया, जबकि पहली फरवरी 2022 को इनको नोटिस हुआ था और ये बाकायदा वहाँ जा रहे हैं। हमने 3 लोगों को पार्टी बनाया, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, DDA और ITBP, इन तीनों को हमने पार्टी बनाया। और हाई कोर्ट के अंदर अभी ये केस पेंडिंग है और ये एक खत जारी कर रहे हैं कि भाई अब आप इस पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं रहा और आपने हमको कोई इत्तला नहीं दी, जबकि उस रिट की पिटीशन हमने रिट की कॉपी इनको दी थी। और 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाई कोर्ट आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये सब वही चल रहा है कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार हर एक अपनी मर्जी से कानून को ताक पर रखकर, एक्ट को ताक पर रखकर और कोर्ट को ताक पर रखकर फैसले कर रही है, उसी तरह से ये एक फैसला केंद्र सरकार का है। और ये 2024 की एक तैयारी है कि देखो हम तो वक्फ बोर्ड से भी उसका हक हम छीन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। और क्योंकि मालिकाना हक देने का इख्तियार जो है वो कोर्ट को है, और कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो तय करेगा कि किसका इख्तियार किसको है और किसको नहीं है। और ये सारा विवाद तब शुरू हुआ कि 1980 के दशक में जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टियाँ थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ थी ये, और ये मुसलमानों को ही यानी कि वक्फ बोर्ड को लीज पर दे दी कांग्रेस ने। तो ये वहीं से सारा विवाद हुआ कि हमारी ही ज़मीन हम ही को लीज पर दे दी, फिर जो है विश्व हिंदू परिषद इसमें स्टे में चला गया। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ में सरकार दौलत मदार, ज़्यादातर में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कब्ज़े में हैं आज भी। वहाँ जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा, जैसे कब्रिस्तान है ITO का, उसमें हज़ारों कब्रें हैं। अब उसको ये क्या करेंगे, अगर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं करेगा तो
कानून में तो यही है, किसी भी स्टेट सेकुलर स्टेट है तो यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड ही देख रेख करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का, मस्जिद की वक्फ बोर्ड ही करेगा। आज भी वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, और ये कह देना कि वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में पहले दिन से गया हुआ है, सारी प्रोसीडिंग में जा रहा है, ये लोग भी सारी प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, और ये अब ये कहें कि हमें नहीं मालूम, तो ये झूठा इल्ज़ाम है। जिस तरह से सारी चीज़ों को, जैसे एमसीडी को इन्होंने ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की, और तमाम एजेंसीज़ को अपने, तमाम डिपार्टमेंट को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की, सरकार को आज कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, तो उसी तरह से ये भी एक है कि ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हटाने देंगे। आज हम हाईकोर्ट में गए हैं, और वहाँ जा कर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहाँ चैलेंज किया है, कल या परसों में हेयरिंग होगी और उसमें हमें आसानी उसमें मिलेगी। ये लेटर कब जारी किया गया है जो यूपी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको भेजा गया है, जिसके हवाले से? ये 8 फरवरी को जारी हुआ है, और इनको, ये जो कमेटी है इसको भी कोई पावर नहीं है। कमेटी को सिर्फ ये तय करना था कि ये देखना था कि कौन सी ज़मीन किसकी है, किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हैं। तो कमेटी हाईकोर्ट के ऑर्डर पर नहीं बनी, ये तो गवर्नमेंट ने बनाई है, और गवर्नमेंट तो जिस तरह से काम कर रही है वो तो किसी भी ज़मीन को अपना कह देगी, लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो है एक्ट से चलता है, और एक्ट को सुपरसीड ये नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है मस्जिद की देख रेख करना, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कब्रिस्तानों की देख रेख करना, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है दरगाहों की देख रेख करना। और हमारी ये पहले भी ज़मीनें जो हमारी हैं, ये 4 ज़मीनें ऐसी हैं जो ये ले चुके हैं, जैसे खुसरो पार्क है, ये खसरा नंबर 484 है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो मथुरा रोड के पीछे है। ऐसे ही एक ये माता सुंदरी रोड पर जो एलएनडीओ ने कब्ज़ा कर लिया, एक बड़ा कब्रिस्तान है हमारा। ऐसे लाल मस्जिद के पीछे की ज़मीन है जो एलएनडीओ ने सीआरपीएफ को दे दी। ऐसी अब तिकोना कब्रिस्तान है जिसमें ये विवाद कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, डीडीए उसको भी हथियाना चाहते हैं। तो ये पहला वाकया नहीं है, अब जबकि रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट अभी क्या नहीं है, क्या नहीं आनी है तो तय होगा। तो हमने हाईकोर्ट के अंदर रिपोर्ट की भी मांग है कि रिपोर्ट हमसे साझा की जाए, और दूसरा ये जो ऑर्डर है इसके खिलाफ हम गए हैं कि इस पर जो इसकी जो प्रोसीडिंग है ये भी रोकी जाए, और जब तक के फैसला ना आए तब तक हम लोग इसको लड़ेंगे। लेकिन मान जी, आप तो कोर्ट में तो गए हैं, पर कोर्ट ने कहीं स्टे दिया है या फिर ये कहा है कि कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि कोर्ट में जाना एक अलग चीज होती है, स्टे मिलना अलग चीज होती है। देखिए, हमने वो पेंडिंग है, अभी हमने वहां स्टे मांगा था, वो पेंडिंग है अभी। उसमें ये भी नहीं कहा कि स्टे नहीं मिलेगा आपको, और ये भी नहीं कहा स्टे मिलेगा आपको। तो उसके लिए अब हम अर्ली हेयरिंग के लिए हम गए हैं, तो उसमें कल या परसों में अर्ली हेयरिंग आ जाएगी, और उसमें सारी ये जो ऑर्डर है इसको हम कैंसिल करने की बात उसमें हम कर रहे हैं कि इसको कैंसिल किया जाए, और जो कोर्ट से जब तक फैसला ना हो, क्योंकि जो मस्जिद है इसकी जो ओरिजिनलिटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते, जो कब्रिस्तान है उसकी जो ओरिजिनलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हैं अगर ये कह रहे हैं कि सारी ज़मीनें अब अर्बन डेवलपमेंट के अंडर होंगी, तो ये वहाँ क्या चाहते हैं, मस्जिदों को गिरा देंगे, कब्रिस्तान को गिरा देंगे, क्या करेंगे वहाँ? ये इससे तो सिर्फ फ़ायदा उनको होगा जो इंक्रोचर है, जब हम उनसे खाली कराने जाएंगे तो वो इस लेटर का सहारा लेंगे, देखो जी ये तो अब आपकी रही नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको ताकतवर बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। सर, इस पर क्लैरिटी दीजिए, बीएचपी कह रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टीज़ जो है वो कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह ने 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले एज अ गिफ्ट आपको दे दी है, और 20,000 करोड़ की इसकी वैल्यू आती नहीं है। नहीं, ये तो हमारी थी, कब्रिस्तान 2014 में थोड़ी बना है, या मस्जिदें 2014 में थोड़ी ना बनी है, हमें तो उन्होंने लीज पर दे दी। उल्टा हमारे साथ गलत किया कि जो हमारी ही प्रॉपर्टी थी वो हमें लीज पर दे दी, हमें उसका किराएदार बना दिया, तो ये तो गलत किया उनके फेवर, तभी तो उनको स्टे मिला। तो ऐसा नहीं है, गिफ्ट नहीं की, हमारी ही प्रॉपर्टी थी कब्रिस्तान, जो जैसे पुराना ये तो सब बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो इशू चल रहा है ये तो 1911 और 1915 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सबको जो है एक्वायर करने का कर दिया था, तो जहाँ मस्जिदें थी, जहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ विवाद हो गया, तो इसको लेकर के हुआ ना, बहुत सारी खाली ज़मीनें थी जो उन्होंने एक्वायर कर ली, बहुत सारे जहाँ कब्रिस्तान था, मस्जिद था, वो नहीं कर पाए थे, तो तब से विवाद चल रहा है। तो ये आज की नहीं है, और जो मस्जिदें हैं जैसे दरियागंज का, यही दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है, ये तो बहुत पुराना है, जो मस्जिदें हैं इसके अंदर वो बहुत पुरानी हैं, तो हमें नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमें दिया, बल्कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ धोखा किया कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी हम ही को किराए पर दे दी, और आज उसी की वजह से ये सारा विवाद है। अगर कांग्रेस ने उस वक्त में हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारी थी, अगर सरकार उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुसलमान लिख दिया जाता कि मुसलमानों की ज़मीन है, या वक्फ बोर्ड की, या जो मैनेजमेंट कमेटी, अगर उसका नाम आ जाता, तो ये आज सारा विवाद नहीं होता। विवाद पैदा किया ही कांग्रेस ने है। तो सर, मैं एक तो ये जानना था कि ये जो 123 प्रॉपर्टी है, इसमें से अभी इसी एक प्रॉपर्टी के लिए यूडी मिनिस्ट्री ने आपको नोटिस दिया है या आगे और भी है? और दूसरा, जब ये कांग्रेस के टाइम हुआ था तब भी क्या आप लोगों ने इसका कोई विरोध करके कुछ कोशिश किया था कि वो इस तरह से ना करे कि आप ही की जमीन पर आपको किराया? नहीं, तभी ये इस तरह की कमेटियाँ तो बहुत टाइम से बनती चली आ रही हैं,
पहले बर्नी कमेटी बनी, उससे पहले बहुत सारी कमेटियां बनती चली आ रही हैं, ये पहली कमेटी नहीं है। और इस कमेटी को कोई पावर नहीं है कि ज़मीन किसी को दे दी जाए, और ये कमेटी की तो रिपोर्ट भी नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने ये जो रिप्रेजेंटेशन था उसको, जो पिटिशन थी उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया था। तो इसने हुकूमत ने जो है यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी, और कमेटी की रिपोर्ट जो एक मेंबर कमेटी थी उसकी रिपोर्ट तो साझा ही नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में थी, दूसरी रिपोर्ट बना दी। अब उसमें ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड आया नहीं, जबकि वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में है, बाकायदा इनके खिलाफ पिटिशन है और ये उसके अंदर पार्टी है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं हैं? तो ये तो सरासर जो है इस वक्त जो है, हाईकोर्ट गए हम चले गए, आज हमने वो पिटीशन जारी, आज आप जा चुके, हम जा चुके हैं पहले से हाईकोर्ट में, वो कोई अलग केस है, पहले से हाईकोर्ट में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है टू मेंबर कमेटी का उसको हमने चैलेंज किया है, वो हम गए थे जनवरी 2022 में, और जो 1961 नंबर है उसका पिटीशन का 1961/22, और 1 फरवरी को इनको नोटिस हुआ था सारे डिपार्टमेंट को, और ये हर हियरिंग पे जाते रहे इनके वकील। एक ये लंबे समय से समस्या चल रही है इस पीसी से अलग की, ये जो वक्त के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबे समय से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं कि कुछ समस्या का समाधान? हाँ, नहीं कर रहे हैं अभी, हमने गया है और वो फाइल हमने मूव की हुई है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। क्या ये भी इसी तरह से अटका हुआ जो फाइनेंस में दिल्ली सरकार के कई सारे दूसरे मामले अटके हुए? उस तरह से भी उस तरह की अड़चन है या कोई और? उस तरह की भी है, और जो है सीओ काम नहीं कर रहे हैं, सीओ को ऊपर से आदेश है कि काम नहीं करना है क्योंकि वो एक सिग्नेटरी है और वो फाइल को मूव नहीं करते, फाइल को पास नहीं करते, वो भी एक मसला है कि सीओ जो है सिग्नेटरी हैं और सिग्नेटरी साइन नहीं कर रहा है, और जो दूसरे मेंबर हैं वो नहीं रहे, बोर्ड की मीटिंग वो बुलाने को तैयार नहीं है, बोर्ड मेंबर आने को तैयार नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनों पर, वक्त की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वक्त का दखल ख़त्म हो जाए और वक्त ख़त्म हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ताकि वो जो है इनक्रोचर हैं वो बैठ जाएँ। और ये भी जो साजिश है, ये इनक्रोचर को भी पावर देगी, इनक्रोचर ये कहेगा कि आपकी तो है ही नहीं, जहाँ अभी तक मैनेजमेंट कमेटी हमारी थी, इमाम हमारे थे, वहाँ पर वो ये कहेंगे कल के आपका तो कोई दखल ही नहीं रहा इस ऑर्डर के खिलाफ, आप तो हैं, अब किस कौन देखेगा भाई वक्फ की ज़मीन को, कौन देख रेख करेगा? जो कब्रिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी, एक्ट भी यही कहता है कि वक्फ देखेगा, जो जिस स्टेट का वक्फ होगा वो देखेगा वहाँ की ज़मीन। सब ये 123 प्रॉपर्टीज जो है किसी खास इलाके में या पूरी दिल्ली में है, और दूसरा सिर्फ कब्रिस्तान और मस्जिद है या और भी तरह की इसमें? 90% से ज़्यादा, 90-95% कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिदें हैं, और ये जो वॉल सिटी है यानी कि जो पुरानी दिल्ली का जो इलाका है उसके बाहर की ये 123 प्रॉपर्टी हैं, अंदर की नहीं है। जो वॉल सिटी है जिसको पुराना दिल्ली का इलाका कहा जाता है, बाउंड्री के अंदर का, वो उसके अंदर की नहीं है, ये उसके बाहर की है, ये पेरिफेरी में है। हाँ, उसके पेरिफेरी। लेकिन दिल्ली के और इलाकों में, कहीं दूर दराज के दिल्ली के इलाकों में नहीं है, लेकिन है सब आसपास? दिल्ली में ही है सारी, ये दूर दराज में भी है, दिल्ली में ही है सारी, लेकिन ये आउट इनर दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर है, जैसे दरियागंज में है, जैसे दिल्ली गेट पर है, इस तरह से। एक तरफ आप नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, मस्जिद के बाहर से वक्फ बोर्ड के इमाम को जो है उनको हटाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का बोर्ड हटाया जा रहा है। वो वाकया परसों का था जी। ये लोग वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग वहाँ पहुँचे, तभी वो हमारी मस्जिद है, वहाँ पर हमारे इमाम हैं, नमाज होती है, तभी हमारे एसओ जो है महफूज आलम साहब अपनी टीम के साथ गए, हमने वो सामान सारा अंदर रखवाया और वो नमाज भी वहाँ बाकायदा की, और बाकायदा वह नमाज हो रही है। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद पे कब्ज़ा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो आए थे लेकिन उनसे उन सामान उन्होंने बाहर निकलवाया, कोई वहाँ रहता था, लेकिन वापस हमने सामान किया और वहाँ बाकायदा नमाज उस मस्जिद के अंदर अभी भी हो रही है और होती रहेगी। ये किस प्रॉपर्टी का मामला है, कहाँ का है ये प्रॉपर्टी? तो इससे रिलेटेड 123 प्रॉपर्टी में नहीं है ये इससे अलग है, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं वो गलत है, और सोशल मीडिया पर जो जोड़ रहे हैं वो गलत है। ये मेहरौली का वाक़ है, मेहरौली में एक मस्जिद है हमारी, उसका वाक़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उसमें मसला है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग उसमें आए थे, तो वो उससे इसका 123 प्रॉपर्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ अभी भी हमारी नमाज हो रही है। आपने सीओ के सिग्नेटरी की भी बात की, इमाम भी धरने पर बैठे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? वो धरने पे बेचारे, वो तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने उनको सारी नौयत बताई, अभी वो खुद जो है वहाँ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस गए हैं, वहीं फाइल है, मैंने उनसे कहा कि भाई आप भी हमारी कुछ सपोर्ट करें कि ताकि डिविजनल कमिश्नर मान लें, एलजी साहब को तरस आ जाए कि सारा स्टाफ, यहाँ हालात ये हैं कि आज की डेट में यहाँ जो प्रिंटर है, प्रिंटर को रिफ़िल करने के भी पैसे नहीं हैं,
यहाँ चाय को भी पैसे नहीं है, यहाँ पेन को भी पैसे नहीं है, तो यहाँ पर जो पैसा हमारे पास है वो साइन करने को तैयार नहीं है। दूसरा सेक्रेटरी सीईओ है और जो एक है वो कर नहीं रहे हैं जो मेंबर हैं, तो तीन सेक्रेटरी मैंडेटरी सीईओ चेयरमैन होता है, तो मैंने साइन कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से वक्फ को कोलैप्स कर दिया जाए। अच्छा,